खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। अब नहीं हो, अगर हुआ होता तो मैं क्यों बागी होकर चुनाव लड़ता? इसलिए तो लड़ रहा हूँ, इसलिए जनता मांग कर रही है कि दोनों प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, दोनों छठी अनुसूची की बात करने वाले लोग हैं। आज इनको दिखने लगा हम अल्पसंख्यक का विकास करेंगे, हम ओबीसी का विकास करेंगे, हम सामान्य वर्ग का विकास करेंगे। अगर किसी में ओबीसी एसटी एससी अल्पसंख्यक के लिए खड़ा रहा है तो शिवा भैया खड़ा रहा है, ये मंडला की जनता ने देखा है। मैं मंडला विधानसभा का पूर्व का विधायक था, लगातार लोगों के बीच में काम करता रहा। 2018 में मुझे बिछिया भेजा गया, बिछिया में काम करता रहा। मुझे प्रदेश नेतृत्व ने, अब बार बार कहूँ वो उचित नहीं है, मुझे लगा कि जिस संस्था में मैं छोटे से उम्र से काम किया हूँ और उस संस्था में अगर मुझे उस लायक नहीं समझा गया और मंडला की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मामला सामने है। आप लोग को भी पता है जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय छठवीं अनुसूची की बात आई थी और उस समय कौन छठवीं अनुसूची के साथ थे और कौन छठवीं अनुसूची के विरोध में थे, यहाँ की जनता ने देखा है। मैंने उस समय कहा था मंडला की धरती पर मैं अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा और फलस्वरूप 2003 में यहाँ की जनता ने मुझे ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताया था और पुनः यहाँ की जनता निर्दलीय के रूप में अपना समर्थन दे रही है जिसमें आप सब शामिल हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए माँ के समान थी, मेरे लिए मंदिर थी जहां से मैंने राजनीति की शुरुआत किया था। लेकिन उस मंदिर के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हमारे जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। की जनता इसलिए वोट देगी कि मैंने जनता के लिए इतनी लड़ाई लड़ा है कि दिग्विजय सिंह कई बार मुझे जेल भेजे, झूला पुल उदाहरण है और भी काम उदाहरण है। आज तक कोई बच्चों के लिए ऐसे कोई म्यूजिक की व्यवस्था किए थे क्या? मैंने झनकार भवन बनाया, सरकारी हॉस्पिटल में विधायक निधि से 10 रूम पे वार्ड की बनवाया, लाइट की व्यवस्था किया, मंडला में गड्ढे थे मैंने पूरे 6 महीने के अंदर पूरे नगर की रोडों को बनाया और मंडला से लेकर के घाघा साले डंडा तक 25 किलोमीटर मैंने लोगों के लिए सीसी निर्माण करा के घाटों का निर्माण कराया। ये सब जनता देख रही, इसके कारण मुझे वोट मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना, मुझे जनता की विकास करना है, इसलिए तो बागी होकर के चुनाव लड़ रहा हूं। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मिला तो निश्चित 1 साल के अंदर पहले जैसे मंडला का तकदीर व तस्वीर बदल दूंगा। आप लोग साक्षी हैं, मैं खुद की सरकार के खिलाफ झूला पुल के लिए मैंने धरने में बैठ गया था। अब तो निर्दलीय हूं, अब तो और लड़ाई लड़ूंगा, जैसा आप चाहेंगे आप लोग साथ योजना बनाऊंगा और मंडला में एक विकास का एक नया आयाम लिखूंगा। इस बात से आपको स्पष्ट करना चाहिए, विकास हुआ पिछले 10 साल? अब नहीं, अगर हुआ होता तो मैं क्यों बागी होकर चुनाव लड़ता? इसलिए तो लड़ रहा हूँ, इसलिए जनता मांग कर रही है कि दोनों प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, दोनों छठवीं अनुसूची की बात करने वाले लोग हैं। आज इनको दिखने लगा हम अल्पसंख्यक का विकास करेंगे, हम ओबीसी का विकास करेंगे, हम सामान्य वर्ग का विकास करेंगे। अगर किसी में ओबीसी एसटी एससी अल्पसंख्यक के लिए खड़ा रहा है तो शिवा भैया खड़ा रहा है, ये मंडला की जनता ने देखा है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।